पिक्स यहाँ उखाड़ फेंकी गई थी। लेनिन की सभी 1300 मूर्तियाँ बीते कुछ सालों में यूक्रेन से लेनिन की सभी 1320 मूर्तियों को हटा दिया गया था। पिछले साल की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने इसके लिए अभियान चलाया था और सोवियत काल के सभी प्रतीकों को हटाने का फैसला लिया था। हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में किल की सरकार ने ऐसा किया था। आइए जानते हैं पूरा मामला। एक रिपोर्ट के मुताबिक मई 2015 में ही राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको ने आदेश दे दिया था कि सभी शहरों और सड़कों के नाम भी बदल दिए जाए जो सोवियत काल के प्रतीक हैं। करीब 4 साल पहले यूक्रेन में प्रो रशियन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को हटा दिया गया था। कई शहरों के नाम बाद में यूक्रेन के नायकों पर रख दिए गए। वहीं जकारपटिया में लेनिन स्ट्रीट का नाम बदलकर लेनिन स्ट्रीट कर दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1320 स्टैचू के अलावा 1069 अन्य मॉन्यूमेंट भी हटा दिए गए। तब प्रदर्शनकारी यूक्रेन के राष्ट्रपति का रूस के करीब होने का विरोध कर रहे थे। हालांकि इसके अलावा अन्य मौकों पर भी लेनिन की मूर्तियों को यूक्रेन में तोड़ा गया। 2014 के सितंबर में एक बार रूस विरोधी प्रदर्शनकारियों ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में लेनिन की मूर्ति को गिरा दिया। यूक्रेन में रूस के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के क्रम में विरोधियों ने 2013 के दिसंबर में लेनिन की एक मूर्ति को हथौड़े से मार मार कर तोड़ दिया था। बाद में यूक्रेन के एक मंत्री ने कहा था कि उन्होंने पुलिस से लोगों को बचाने को कहा है, नहीं मूर्तियों को। वहीं रूस में भी कुछ लोग लेनिन की मूर्तियों के गिराने के पक्ष में बताए जाते हैं। एक रूसी अखबार के सर्वे में यह सामने आया था कि देश के 14% नागरिक लेनिन की मूर्तियों को गिराए जाने के समर्थन में हैं। हालांकि सर्वे में 57% लोगों ने कहा था कि वे लेनिन को पॉजिटिव और से देखते हैं। 2006, 2016 और 2017 में किए गए सर्वे में यह भी सामने आया है कि वक्त बीतने के साथ लेनिन की पॉपुलरिटी में कुछ बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि त्रिपुरा में कथित और से बीजेपी समर्थकों ने साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के बेलोनिया सब डिवीजन में बुलडोजर की मदद से रूसी क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन की एक मूर्ति को ढहा दिया है। उधर दक्षिण कोलकाता में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की खबर आ रही है। इससे पहले तमिलनाडु में दलित विचारक पेरियार की मूर्ति तोड़े जाने का मामला सामने आया।